प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाना एक पत्रकार पर भारी पड़ गया। कोर्ट ने उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया। मामला इटली का है, जहां पीएम मेलोनी का मजाक उड़ाने के लिए वहां के कोर्ट ने 4.5 लाख रुपयों का भारी भरकम जुर्माना ठोक दिया है। मिलान की कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पत्रकार यह रकम प्रधानमंत्री मेलोनी को चुकाएंगे, क्योंकि उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पत्रकार जूलिया कोर्टसी ने जॉर्जिया मेलोनी की लंबाई को लेकर मजाकिया पोस्ट की थी। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में एक्स पर लिखी एक पोस्ट के लिए भी कोर्टसी के ऊपर 1200 यूरो का फाइन लगाया गया। तब उन्होंने मेलोनी की लंबाई पर टिप्पणी की थी। इसे बॉडी शेमिंग की कैटेगरी में रखा गया था। हालांकि पत्रकार ने कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई है और कहा कि कोर्ट के फैसले को लेकर कई खबर जवाब दिए हैं। कोर्टसी ने एक्स पर लिखा कि इटली की सरकार को फ्रीडम ऑफ स्पीच और पत्रकारों के मतभेद से खासा परेशानी है। बता दें कि 3 साल पहले इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जर्नलिस्ट कोर्टसी के बीच सोशल मीडिया पर भिड़ंत हो चुकी है। तब पीएम मेलोनी ने पत्रकार के खिलाफ कानूनी रुख अख्तियार किया था। महिला पत्रकार ने अपने ट्वीट में लिखा था कि जॉर्जिया मेलोनी, आप मुझे डरा नहीं सकती, आखिर आपकी लंबाई सिर्फ 4 फीट है, मैं आपको देख भी नहीं सकती हूँ। बता दें कि इटली की अलग अलग मीडिया वेबसाइट पर पीएम मेलोनी की हाइट 1.58 मीटर से लेकर 1.63 मीटर बताई गई है। कोर्टसी सजा के खिलाफ अपील भी कर सकती हैं। वहीं मेलोनी के वकील ने कहा कि अगर पीएम को पत्रकार से कोई राशि मिलती है तो वो इसे चैरिटी में दान दे देंगी। कोर्टसी ने एक्स पर गुरुवार को पोस्ट किया था कि इटली में स्वतंत्र पत्रकारों के लिए बहुत ही मुश्किल समय चल रहा है, आने वाले समय में हमें बेहतर दिनों की आशा है, हम बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। बता दें कि पहली बार नहीं है जब मेलोनी किसी पत्रकार से भिड़ गई हैं। पिछले साल रोम ने बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्टो सेवियानो के ऊपर 1000 यूरो का लीगल नोटिस भेज दिया था। इसके अलावा लीगल एक्सपेंसेस का भी फाइन लगाया था। मामला 2021 में रॉबर्टो द्वारा टीवी पर मेलोनी के अपमान का था। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।